bismillah rahman ar-Rahim assalamu alaikum grade 3 welcome back to english lessons today we are going to start our fourth lecture and uh, as always i would like to ask have you practice use of is and is mr i told you last time have you practiced that very good if you have practiced that so today our topic is simple present टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपल प्रेजेंट सो ओपन अप योर बुक फेज नंबर नाइन एक्सरसाइज नंबर टू वट इज प्रेजेंट सिंपल इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है प्रेजेंट सिंपल जो होता है इसको प्रेजेंट इनडेफिनेट भी कहा जाता है प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इनडेफिनेट भी कहा जाता है इट इज़ यूज टू सो शो रेपिटिशन हैबिट और जनरलाइजेशन इट दैट प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है कोई ऐसे काम जो हम बार बार दोहराते हैं कोई आदतें शो करने के लिए ये जनरलाइजेशन मीन्स एक काम जो हम रेगुलर बेसिस पे करते होते हैं उसे शो करने के लिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप डेली स्कूल जाते हैं आप डेली खाना खाते हैं आप डेली गाना गाते हैं आप डेली स्टडीज़ करते हैं तो जैसे आप बोलेंगे मैं रोज मैं लेसन पढ़ता हूँ मैं सबक पढ़ता हूँ मैं स्टडीज़ करता हूँ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे प्रेजेंट सिंपल में आती हैं ओके लेट्स मूव अहेड सब्जेक्ट इसके लिए भी पहले सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना ज़रूरी था सब्जेक्ट आप पिछले लेक्चर में भी रीड कर चुके हैं वंस अगेन वी आर रीडिंग दिस सब्जेक्ट एनी पर्सन और थिंग दैट इज बींग डिस्कस डिस्क्राइब और डेल्ट विद आपके सेंटेंस में पर्सन कोई भी पर्सन या चीज़ जिसके बारे में बात की जा रही है जिसको डिस्कस किया जा रहा है जो काम कर रही है चीज उसको सब्जेक्ट कहा जाता है वो, अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन ये टू स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच है सब एक पार्ट ऑफ स्पीच है वो ठीक है नाउन के बाद मोस्टली वर्ब आता है वर्ब है जो कि हमें एक्शन शो करता है कि कोई काम कर रहा है कोई बैठा हुआ है कोई खेल रहा है कोई रो रहा है दैट इज़ वर्ब नेक्स्ट प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट होता है क्या होता है जी सब्जेक्ट जो होते हैं मोस्टली अगर वो सिंगुलर हो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो या ही शी इट हो अगेन रिवाइज करती हूँ सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो या ही शी इट हो तो उनके जो वर्ब होती है उनकी जो वर्ब होती है जैसे क्राइंग गोइंग क्राई कर रहा है कोई जा रहा है उनके साथ हम हाँ एस या ई एस को ऐड करते हैं किसे ऐड करते हैं एस या ई एस को अभी मैं आपको इसे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी फर्स्टली हम हाँ एक्सप्लेन करते हैं कि एस एन ई एस कहाँ यूज़ करते हैं एस एन ई एस कहाँ यूज़ करते हैं अगर आपके सेंटेंस में अगर आपके सेंटेंस में आपके वर्ब के वर्ब जो आपने यूज़ किया है उसके एंड पे छ यूज़ होता है तो वहाँ पे हम ई एस यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं ई एस यूज़ करते हैं जैसे कि हमारे पास वर्ड आ गया बॉक्स बॉक्स सॉरी ये तो प्लूरल है इसी तरह हमारे पास जैसे कि आ गया हमारे पास गो वर्ब लगाना था हमने मैंने आपको नाउन लगा दिया गो को के आगे हम क्या राइट करेंगे ई एस गोस गो के आगे राइट करेंगे ई एस गोस इसी तरह अगर हमारे के एंड पे वाई आ जाता है तो वाई को काट के हम उसकी जगह आई लगाते हैं और साथ में ई एस ऐड करते हैं वाई को काट के हम क्या करेंगे आई लगाएंगे और साथ में ई एस लगाएंगे सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स ये वही चीज़ें हैं ये वही वर्ड्स हैं जो हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन जब हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं तो उसमें वो के साथ भी इन्हीं बेसिस पे ऐसे ई एस लगाया जाता है नेक्स्ट वन नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको आपकी बुक पे ये लेसन गिवन है आपने ये इसमें मुझे वो के साथ एस ई एस को ऐड करके बताना है उनका आंसर बताना है शी डैश टू कॉलेज इन द यू एस ए शी गो आएगा ठीक है अब शी है तो मैंने बताया था कि शी इट यहाँ सिंगुलर होगा हमारे पास तो हम एस या ई एस लगाएंगे तो अब ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास ची के साथ यूज हो रहे हैं तो सब में हम ऐसिया एस ई एस लगाएंगे बट अब देखते हैं कि ई एस लगेगा या एस लगेगा सो so, ओ जब मैंने बोला था ओ जब आएगा तो हम ई एस लगाएंगे सो so, यहाँ हम क्या राइट करेंगे ओ oh. साथ में ई एस का इजाफा करेंगे गोस टू कॉलेज इन यू एस वन she अगेन वही बात है कि हमने इनके साथ ई एस या एस लगाना है ई एस या एस लगाना है she dash a lot of bread वो ब्रेड लेती है एंड potatoes ब्रेड एंड potatoes के साथ क्या आएगा कम आएगा या ईट आएगा ईट लेकिन टी के साथ अब बात है कि हम s add करेंगे या e-s करेंगे लेट सी e, e t eat s आएगा या e-s आएगा टी के साथ हमने ई एसाइड करना था नो no. टी के साथ सिंपली इट्स नेक्स्ट वन शी डैश बैक टू पाकिस्तान वेन शी कैन, कम, कम के साथ ई आएगा पहले ही रिटन रिटर्न है खम के साथ एन एस खम्स शी खम्स बैक टू पाकिस्तान In when she can. Let's move to the next exercise. Next sentence. She often dash to other countries. Travel. Travel ke saad, yes aayega? No. Yes nahi aayega. Reason many aako bata di hai already. She travels to other countries. She dash

ई एस आएगा या एस आएगा सो दैट वॉज ऑल अबाउट सिंपल प्रेसेंट आपने लर्न करना है कि सब्जेक्ट एंड वर्क का एग्रीमेंट लर्न करना है और लर्न करना है कि आपने वर्क के साथ एस एन ई एस कैसे ऐड करना है सो की प्रैक्टिस इन दिस एंड सॉव योर एक्सरसाइज ऑन योर बुक एंड गुड लक फो दफेस